गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल डी सी ए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। आगे बढ़ते हैं 12 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम सलाम राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज केरला हाईकोर्ट एडॉप्शन गाइडलाइंस। केरला हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और एडॉप्शन गाइडलाइंस को जारी किया है, जिसके तहत बताया गया है कि अगर किसी कपल के पास जो लिव इन रिलेशनशिप में है किसी बच्चे का जन्म होता है तो कपल को ट्रीट किया जाएगा एज ए मैरिड कपल। नेक्स्ट वन इज सेंटर टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन रावी कैनाल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 10 अप्रैल को फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बैलेंस्ड पोर्शन ऑफ रावी कैनाल शाहपुर पानी डैम प्रोजेक्ट के तहत ही आता है बसंतपुर कठुआ जम्मू रीजन में। और इस प्रोजेक्ट को इनोग्रेट किया गया है आफ्टर ए गैप ऑफ 60 ईयर्स, जब से इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई है पाकिस्तान के साथ। 60 साल उसको बीत चुके हैं। और इस प्रोजेक्ट का एम रखा गया है टू यूटिलाइज फुल वाटर ऑफ रावी रिवर इन द इंडियन टेरिटरी। नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक कन्वेंशन ऑन वर्ल्ड होम्योपैथी डे। 2 दिन का साइंटिफिक कन्वेंशन जिसका थीम रहा होम्योपैथी रोडमैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन इनोग्रेट किया गया 10 अप्रैल को। और इस कन्वेंशन को ऑर्गेनाइज किया गया बाय द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन होम्योपैथी। ये ऑटोनोमस अपेक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फाउंडर होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हैनमैन। नेक्स्ट वन इज वैक्सीनेशन कवरेज एक्सीड्स 9.80 करोड़। क्यूमुलेटिव नंबर्स ऑफ कोविड-19 वैक्सीन डोजेज एडमिनिस्ट्रेट कर दी गई है अब तक कंट्री में। और ये लैंडमार्क क्रॉस हो गया है, 9.80 करोड़ अब तक वैक्सीन डिलीवर की जा चुकी हैं 10 अप्रैल तक। और 9,80,75,160 अगर एग्जैक्ट नंबर देखा जाए तो अब तक एडमिनिस्ट्रेट की जा चुकी हैं 14,75,410 सेशंस में प्रोविजनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। और नंबर ऑफ डेली डोजेज जो एडमिनिस्ट्रेट की जा रही हैं ग्लोबली, इंडिया उसमें सबसे टॉप पे है। अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन की डोजेज पर डे वो दी जा रही हैं, उसमें एवरेज डोजेज पर डे दी जा रही हैं 38,93,288 डोजेज एडमिनिस्ट्रेट की जा रही हैं पर डे अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट वन इज खेलो इंडिया सेंटर फॉर एक्सीलेंस लॉन्च्ड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स किरण रिजिजू ने इनोग्रेट किया खेलो इंडिया स्टेट सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर राउलिंग डिसिप्लिन जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में। ये इसको इनोग्रेट किया गया 10 अप्रैल को श्रीनगर में। ये स्पोर्ट्स अकेडमी है और इसका फोकस रखा गया है ऑन द स्पोर्ट्स डिसिप्लिन ऑफ रॉविंग। और ये प्रोवाइड करेगा फर्स्ट टाइम ग्रांट 145.16 लाख रुपीज की और एनुअल रिकरिंग ग्रांट 96.17 लाख रुपीज की। नेक्स्ट वन इज सिक्किम त्रिपुरा प्रेजेंट एनुअल एक्शन प्लान। त्रिपुरा और सिक्किम ने प्रेजेंट किया है एनुअल एक्शन प्लान्स टू प्रोवाइड टैप वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउसहोल्ड। दस ऑफ 10 अप्रैल को उन्होंने ये एनुअल एक्शन प्लान को प्रेजेंट किया टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए रूरल एरियाज में। और इस प्लान को प्रेजेंट किया गया कमेटी के सामने जिसको चेयर कर रहे थे सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति के तहत ही आता है। त्रिपुरा में 8 लाख रूरल हाउसहोल्ड्स हैं जिनमें से 2.14 लाख हाउसहोल्ड्स को जो 27% नंबर्स में हैं उनको अभी तक टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट वन वोल्केनो इरप्ट्स ऑन कैरेबियन आइलैंड। वोल्केनो इरप्शन हुआ है साउदर्न कैरेबियन आइलैंड्स पे, इरप्ट हुआ है इन ए ब्लास्ट ऑफ ग्रे स्मोक 9 अप्रैल को। वोल्केनो का नाम था ला सोफ्रे और नॉर्दर्न टिप ऑफ मेन आइलैंड सेंट वेटिकन आइलैंड पे स्थित है और सेंट वेकेटियन और ग्रेनेडियंस में इसकी लोकेशन है। और इसने पहले ही अपनी एक्टिविटीज शो कर दी थी इरप्शन की दिसंबर 2020 में और फाइनली ये 9 अप्रैल को इरप्ट हो गया है। और इसके क्लोज 20,000 के आसपास लोग रह रहे थे, उनको इवैक्यूएट कर दिया गया है एरिया से वोल्केनो इरप्शन के बाद। नेक्स्ट वन इज कंट्री रिकॉर्ड्स हाईएस्ट सिंगल डे राइज। इंडिया में अभी तक हाईएस्ट सिंगल डे स्पाइक देखा गया है कोविड-19 के केसेस में 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल को 1,45,000 नए कोविड-19 के केसेस आए हैं
अकेले दिन में ही, और लास्ट 24 आवर्स की बात की जाए तो 77,000 पीपल वो डिस्चार्ज हुए हैं हॉस्पिटल से, 794 की डेथ हुई है, और टोटल नंबर ऑफ केसेस इंडिया में पहुंच गए हैं 1,32,00,000। नेक्स्ट वन इज मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एक्सटेंडेड लॉकडाउन टिल 19th of April। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि लॉकडाउन जो 3 दिन के लिए लगाया गया था सेवरल सिटीज में, उसको इंक्रीज कर दिया गया है 19th of April तक ये लॉकडाउन रहेगा कोरोना वायरस के केसेस में उछाल को देखते हुए, और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में तो ये लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया गया है 22nd of April तक। 9th of April तक अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में एक्टिव केसेस वो थे 30,486, और केस लोड अभी तक मध्य प्रदेश का जब से कोरोना वायरस आया है तब से 3,27,220 केसेस वहां पे रजिस्टर हुए हैं। नेक्स्ट वन इज ईरान ऑर्डर्स 10-day लॉकडाउन। ईरान ने ऑर्डर किया है, इम्पोज किया है 10 दिन का लॉकडाउन अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री, 10th of April से स्टार्ट हो रहा है, और इसका मेन पर्पज है टू कर्व द स्प्रेड ऑफ 4th wave जो कोरोना वायरस पेंडेमिक की ईरान में आई है उसको टैकल करना है। लॉकडाउन ने 23 कंट्री में 31 प्रोविनेंसीज हैं उसमें 23 को बैडली इफेक्ट किया है, और 2 मिलियन से ज़्यादा वहाँ पे केसेस हो गए हैं, डेली एवरेज 20,000 इन्फेक्शन वहाँ पे आ रहे हैं 1st week of April से, और अभी तक मृत्यु टोटल 64,000 लोगों की वहाँ पे हुई है ईरान में। नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th of April। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10th of April को मनाया जाता है हर साल, इस पर इंडिया में इसकी थीम रखी गई होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, और इसको मार्क किया जाता है फॉर द इम्पोर्टेंस ऑफ होम्योपैथी एंड इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फॉर ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट वन इज SBI म्यूचुअल फंड्स क्रॉसेस 5,00,000 crore मार्क। SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पहला फंड हाउस बन गया है इंडिया में जिसने लैंडमार्क हासिल किया है 5,00,000 crore ऑफ एवरेज एसेट्स अंडर मैनेजमेंट AAUM हासिल किया है। SBI फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ये जॉइंट वेंचर है SBI और अमोनोडी। अमोनोडी एक यूरोपियन लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है। लास्ट 1 ईयर में अगर देखा जाए तो SBI फंड्स मैनेजमेंट एसेट अंडर मैनेजमेंट वो ग्रो हुए हैं 5.04 लाख करोड़ रुपीज, और लास्ट ईयर ये थे 3.73 लाख करोड़ रुपीज, इसमें 35% का फिस्कल ईयर में उछाल देखा गया है। नेक्स्ट वन इज इंडियन आर्मी ऑफिसर ब्रेक 2 रिकॉर्ड्स। इंडियन आर्मी के ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पानू उन्होंने 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अपने नाम पे कर लिए हैं। फास्टेस्ट सोलो साइकिलिंग फिट्स अक्टूबर 2020 से, पहला रिकॉर्ड उनके नाम पे रहा कि उन्होंने साइकिल पे यात्रा की 472 किलोमीटर की लेह से मनाली तक इन जस्ट 35 hours 25 minutes, और सेकेंड जो रिकॉर्ड उन्होंने हासिल किया कि उन्होंने 5,942 किलोमीटर्स लॉन्ग साइकिलिंग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रूट को उन्होंने पूरा किया जिसमें दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता आते हैं इस रूट में, और ये रूट उन्होंने 14 दिन 23 घंटे और 52 मिनट में कंप्लीट कर लिया, और इसी के साथ ही 2 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम पे हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज महामडो न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रेसिडेंट मोहम्मद बजुमन उन्होंने अपॉइंट किया है महामडो को एज ए हेड ऑफ हिज न्यू कैबिनेट एज द कंट्रीज न्यू प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया है। महामडो इससे पहले मिनिस्टर थे इंचार्ज ऑफ फाइनेंस एंड माइनिंग पोर्टफोलियोज के, और वो चीफ ऑफ स्टाफ रह चुके हैं टू द प्रेसिडेंट महामडो यूसुफ बिटवीन 2015 and 2021। नेक्स्ट वन इज महाराष्ट्र टू गेट 1100 वेंटिलेटर्स। यूनियन मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर जी ने 10th of April को ये इन्फॉर्मेशन दी है कि महाराष्ट्र को 1100 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स प्रोवाइड किए जाएंगे इन द 3rd week of April 2021, और ऑक्सीजन सप्लाई को भी राउट किया जाएगा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यूनिट से। महाराष्ट्र में अब तक एडमिनिस्टर किए जा चुके हैं 1.10 crores ऑफ कोरोना वैक्सीन डोजेज। नेक्स्ट वन इज खैतान लीगल एसोसिएट स्टार्ट्स ए न्यू फर्म। 3 पार्टनर्स खैतान लीगल एसोसिएट्स के, जैन शेरफ, महरुख
उमरीगार और सत्येंद्र श्रीवास्तव, इन्होंने लॉन्च किया है यूनिक अपना ही एक बुटीक कॉरपोरेट लॉ फर्म जिसको नाम दिया गया है कंसोर्टिया लीगल। इनिशियली ये फर्म इसके ऑफिस होंगे मुंबई और लंदन में, और ये फर्म फोकस करेगा ऑन इंश्योरेंस, डाटा प्रोटेक्शन, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल मोबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट, प्राइवेट क्लाइंट, इन सब के ऊपर। नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट अप्रूव्स हाईवे प्रोजेक्ट्स इन मध्य प्रदेश। गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं 726 करोड़ रुपीज के हाईवे प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में, जिसमें 291 स्ट्रेच के हाईवेज बनाए जाएंगे और अपग्रेडेशन होगा डिक्लेयर्ड नेशनल हाईवे 572 किलोमीटर का, 17.72 करोड़ रुपीज इसके लिए सैंक्शन किए गए हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रेंथन किया जाएगा द रोड सेक्शन ऑफ सागर छतरपुर नेशनल हाईवे 86/934, इसके लिए 22.65 करोड़ रुपीज सैंक्शन किए गए हैं। नेक्स्ट वन इज तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम टू अनवेल एविडेंस बेस्ड बुक। एविडेंस बेस्ड बुक रिलीज की जाएगी जिसके तहत प्रूव किया जाएगा कि लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान का जन्म वन ऑफ द सेवन हिल्स, सेक्रेड हिल्स, दो धार्मिक पहाड़ियां हैं, एक सात पहाड़ियां हैं तिरुमाला में, उनमें से एक पहाड़ी पे हुआ है और ये होम है टू द श्री वेंकटेश्वर स्वामी श्राइन का ये होम है, और इस एविडेंस बुक को रिलीज किया जाएगा 13th of April को। इस बुक में जो कवरेज है वो एस्ट्रोनॉमिकल है, एपिग्राफिकल है, साइंटिफिक है और पौराणिक एविडेंस को लेते हुए ये प्रूव किया जाएगा कि लॉर्ड हनुमान का जन्म तिरुमाला की पहाड़ियों में ही हुआ है, और इसको अनवेल करने जा रहा है तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। नेक्स्ट वन इज भारतीय एक्सा फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइंट हैंड्स। भारतीय एक्सा और फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया है और लॉन्च किया है बैन कैश्योरेंस पार्टनरशिप, बैंकिंग और इंश्योरेंस पार्टनरशिप। इसके तहत भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस वो ऑफर करेगा कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इसमें प्रोटेक्शन, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे टू द कस्टमर्स ऑफ फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक की 747 ब्रांचेज हैं, डिजिटल नेटवर्क प्रेजेंस है अक्रॉस द कंट्री। इनमें प्रोटेक्शन प्लान्स, सेविंग प्लान्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स ऑफर किए जाएंगे भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा। नेक्स्ट वन इज टेनर ऑफ डीजीसीएच चीफ एक्सटेंडेड बाय 6 months। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एदो एक्सटेंशन ऑफ की अरुण कुमार जी चीफ ऑफ डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उनका टेनर एक्सटेंड कर दिया जाए 6 months से। अरुण कुमार जी 1989 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं हरियाणा कैडर से, और उनको अपॉइंट किया गया था डीजीसीएच चीफ जुलाई 2019 में, और उनको एडिशनल चार्ज इस पोस्ट का दिया गया था मई और जुलाई 2019 में। डीजीसीए की चीफ की पोस्ट से पहले अरुण कुमार जी रह चुके हैं एडिशनल सेक्रेटरी एट द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। नेक्स्ट वन इज सिनोफार्म्स थर्ड वैक्सीन अप्रूव्ड फॉर ट्रायल। चाइना ने अप्रूव कर दिया है थर्ड कोविड 19 वैक्सीन सिनोफार्म ग्रुप कॉरपोरेशन की। क्लिनिकल ट्रायल्स इसके शुरू होने जा रहे हैं, ग्रीन लाइट मिली है टेस्टिंग के लिए। दो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन सिनोफार्म ने जो बनाई थी उनको अप्रूवल मिल गया है और वाइडली यूज कर सकते हैं उनको बोथ एट होम एंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट वन इज रेलवे टू इंट्रोड्यूस 14 समर स्पेशल ट्रेन्स। रेलवे ने इंट्रोड्यूस किए हैं वेस्टर्न रेलवे जोन ने कि 14 न्यू समर स्पेशल ट्रेन्स चलाई जाएंगी, सर्विसेज ऑफ 30 स्पेशल ट्रेन इसके अलावा चलाए जाएंगे जून, और इनको एक्सटेंड कर दिया गया है इन ट्रेन्स की सर्विस को जून 2021 तक। वेस्टर्न रेलवे अभी रन कर रही है 266 लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स जिनको प्री कोविड पीरियड से ही रन किया जाता था। 14 स्पेशल ट्रेन इसमें स्पेशली रन की जा रही हैं पटना के लिए गोरखपुर, भागलपुर, गाजीपुर, गुवाहाटी इंट्रोड्यूस कर दी जाएंगी नेक्स्ट फ्यू डेज में। आज की आखिरी खबर है, इसके बाद हम स्टैटिक की बात करेंगे। यूनियन टेरिटरी हमारी आज से शुरू हो रही है। इंडिया एंड श्रीलंका इन एयर बबल पैक्ट। इंडिया और श्रीलंका ने एक दूसरे के साइन एग्रीमेंट साइन किया है बायलैटरल एयर बबल अरेंजमेंट के लिए, स्पेशल इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स के लिए दो कंट्रीज के बीच में। एयर बबल के बारे में आपको बताया जाए, ये एक बायलैटरल अरेंजमेंट है जिसमें सेट ऑफ रेगुलेशन और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हवाई यात्रा करने वाले यात्री दो कंट्रीज के बीच वो हवाई यात्राओं को ऑपरेट कर सकते हैं और एक दूसरे कंट्री में जा सकते हैं एयर बबल सिक्योर एनवायरनमेंट के तहत। और छठा ऐसा अरेंजमेंट किया गया है शार्क रीजन में। शार्क रीजन साउथ एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है
और ये छठवां ऐसा बना है जिसके तहत एयर बबल एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और श्रीलंका के बीच। आज का हमारे पास यूनियन टेरिटरी स्टार्ट हो रही है, दिल्ली से बात करेंगे। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कैपिटल न्यू दिल्ली, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, गवर्नर अनिल बैजल, मेजर सिटीज, न्यू दिल्ली ही अपने आप में एक सिटी है। नेशनल पार्क यहाँ कोई नहीं है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक है, असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तुगलकाबाद में। रिवर्स यहाँ पे एक है, यमुना रिवर बहती है। मेजर रिवर, मेजर पोर्ट्स नहीं है, रामसर साइट्स नहीं है, वाजपेयी रिजर्व नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स की बात की जाए तो लैब ऑन व्हील्स, अटल जन आहार योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, सहेली समन्वय केंद्र स्कीम, दिल्ली लाडली स्कीम, दिल्ली जॉब फेयर पोर्टल, दिल्ली सरकार तीर्थ यात्रा योजना, दिल्ली मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम, मूल्स वोकेशनल ट्रेनिंग स्कीम, दिल्ली एचआईएमएस स्कीम, स्टैंड ड्राई राशन किट स्कीम, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, वन नेशन वन मोबिलिटी कार्ड स्कीम। लोकसभा में 7 रिप्रेजेंटेटिव, राज्यसभा में 3 रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट असेंबली में 70 हैं। दिल्ली उन यूनियन टेरिटरीज में है जहाँ पे स्टेट असेंबली भी आती है, स्टेट काउंसिल यहाँ नहीं है। लास्ट इलेक्शन हुए थे 8 फरवरी 2020 में। हेरिटेज साइट्स की अगर बात कर ले जाए तो हुमायूं फोर्ट, आगरा फोर्ट, लाल किला, कुतुब मीनार, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, अगर सैन की बावरी, लोटस टेम्पल, जामा मस्जिद, सीरी फोर्ट, बंगला साहिब गुरुद्वारा, जंतर मंतर, नेशनल वॉर मेमोरियल, हौज खास फोर्ट, तुगलकाबाद फोर्ट, अक्षरधाम मंदिर, लोधी गार्डन्स, पुराना किला, महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क, सफदरजंग टॉम, अलाई मीनार और लोधी टॉम, ये सब हेरिटेज साइट्स में आते हैं दिल्ली में। मेजर एयरपोर्ट्स की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सफदरजंग एयरपोर्ट यहाँ पे दो मेन एयरपोर्ट हैं। मैप की अगर बात कर ली जाए तो 3 साइड से ये लैंडलॉक्ड है हरियाणा से, और ईस्टर्न साइड्स में ये लैंडलॉक्ड है यूपी के साथ। डिस्ट्रिक्ट्स की अगर बात कर ली जाए तो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउथ वेस्ट, न्यू दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ दिल्ली, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ की। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। जिसके लिए भी हमारी वीडियो यूजफुल हो सकती है आप उस तक पहुँचाइए। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, खुश रखें।